शादी होगी तो शादी में जरूर बुलाना। जैन दोस्तों आप देख रहे थे टीनेजर स्वैंग, मैं गौरव राठी, गाइस आपके लिए यार बहुत ही शानदार वीडियो यार। आज ना मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पे प्रैंक करने वाला हूँ, चीकू के ऊपर। काफ़ी टाइम हो गया, अब हम मिले भी नहीं है। 1.5 साल पहले हमारा रिलेशन था, काफ़ी अच्छा चल रहा था। अब देखते क्या होता है यार, आज सोचा है कुछ, देखते आ रही है वो। मैंने उसको लाइव लोकेशन भेज दी अपनी फ्लैग के पास, देखते कितनी देर में आ रही है, वेट करते हैं उसका। हेलो, कैसे हो? चेंज ही हो गया यार तू तो, बैठ जा यहाँ। साफ ही लग रहा है। अरे साफ मैं कर देता हूँ, क्या हो गया? नहीं नहीं आदत है मुझे अभी भी तेरी केयर करने की। कैसा चल रहा है? बस कृपा है तेरी, काफी अच्छा चल रहा है अब तो, मतलब धीरे धीरे। अरे मैं तेरा वीडियोस रोज देखती हूं, मैंने बहुत देखे हैं, अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सो मच यार। अच्छा वैसे हाँ, कॉल वगैरह कर रहे थे कल परसों दो बार, क्या हुआ? मुझे याद आ रही थी। याद तो यार मुझे भी बहुत आती है, बट वो पुरानी बातें भी याद आ जाती हैं उसके साथ साथ। तो मेरे अपने रीजंस थे ना ब्रेकअप के, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे को अपने पढ़ाई में फोकस करना था, फिर एग्जाम्स वगैरह भी थे, ब्लेम नहीं कर रहा, बट हाँ उस टाइम पे मेरे को बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ था, शायद मैंने इसलिए उस दिन के बाद से बात ही नहीं करी। मतलब मैं यार बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंट हो गया था यार, मेरी ऐसी गलती क्या थी ना, तूने सॉलिड रीज़न दिया, आज बताया कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम। मैं मानता हूँ यार मतलब स्टडी पे फोकस नहीं हो पाता, मेरा तो यार पढ़ाई से लेना देना था ही नहीं, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरे एग्जाम्स वगैरह भी थे, मैं फ़ोन बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर पा रही थी, मैं मिल भी नहीं पा रही थी, तो मेरे को लगा कि उससे ज़्यादा हर्ट होगा, इससे अच्छा ब्रेकअप ही कर लेते हैं बाद में, अगर बाद में कुछ हो पाया तो बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। सो सॉरी, नहीं सॉरी तो मत बोल यार, मैं अभी भी मैं मतलब तूने आज तक ना कोई गलत बात बोली आज तक, तो मेरी रिस्पेक्ट तो बहुत है तेरी, मेरी नज़रों में तेरी, बट यार फिर भी। और बाकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, आईफोन वगैरह भी ले लिया, पैसा तो था ही भाई पहले से। वीडियोस वगैरह ठीक बन रही है? हाँ, मैंने देखा था, काफी अच्छी थी, लाइक भी करते हो, मैं कमेंट भी करते हो। चलो यार अच्छा, थैंक यू सो मच। और रिलेशन क्या चल रहा है, सिंगल है क्या? सिंगल है क्यों, सिंगल क्यों कर ले किसी से? अभी मन नहीं है, अभी रेडी नहीं हूँ, मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, अलग रिलेशनशिप। अलग रिलेशनशिप? अच्छा तेरे दिल में अभी भी हूँ क्या मैं? थोड़ा बहुत तो यार थी तो मेरे भी दिल में, बट उस टाइम मेरे को कहीं ना कहीं ये भी लगता कि यार उस टाइम मैं जीरो था, फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास, शायद तो उस वजह से छोड़ के गई हो। और मैंने देखा भी है कि और आज मतलब अभी भी इतना कुछ नहीं है, बट हाँ फिर भी एक अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है, वीडियोज़ में व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार उस वजह से तू बात बात कर रही है। एग्जाम्स ख़त्म हो गए तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि एग्ज़ाम एक बार हो जाएंगे तो फिर बात करूँगी, क्योंकि मैंने सबसे कट ऑफ कर लिया था ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स से, सारा फोकस मेरे एग्जाम्स पे लगा था। चलो अच्छी बात है, अब अच्छे खासे निमट गए एग्जाम्स। चलो बढ़िया, फ्यूचर को लेके क्या आप मतलब और पढ़ाई करनी है या? पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई क्या रखा है, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं, हमारे तो कुछ हुआ नहीं यहाँ तो, पढ़ाई छोड़। चलो अच्छी बात है यार। यार रही बात हमारे रिलेशन की, अब यार जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो बहुत अच्छी है, प्यार भी मुझसे खूब करती है। हाँ कितना टाइम हो गया? हो गया उसके साथ मेरे को 4 मंथ्स हो गए, काफ़ी अच्छी है यार, वो केयर भी खूब करती है, मैं उससे ज़्यादा क्या बोलूँ। फीलिंग्स थी मेरी तब तक थी,
हाँ अभी भी कुछ बातें यार याद आ जाती है, कुछ मेमोरीज थी हमारी बहुत अच्छी। और 1.5 साल थे हम साथ 10th क्लास से। बट यार मेरे को तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तूने शायद उसी वजह से धोखा दिया था मुझे उस टाइम, धोखा दिया कुछ भी, अब मैं कैसे भरोसा कर लूँ। कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तू आ रही है अभी वाली पत्नी, तो प्यार करती है तो तुम डिजर्व करते थे, शायद मैं वो नहीं दे पाई तो। कोई और बंदा बना लेना इतने। अभी अभी मन ही नहीं है अभी। इतनी अच्छी खासी है तो दिखने में भी और पढ़ाई में भी अच्छी है, मुझसे तो बहुत अच्छा ही मिल जाएगा कोई। ऐसी बात नहीं यार, लुक्स पे कौन जज करता है, लुक्स तो मेरा कभी था ही नहीं। हाँ वो बात तो मैं तेरी मान रहा यार, मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद तेरे से मतलब बहुत ज़्यादा, मैं अब क्या बोलूँ, छोड़ो यार, क्यों मैं अपनी फ्यूचर जो है मेरी जो अब प्रेजेंट फ्यूचर जो भी है मैं उसको नहीं करना चाहता चीट, इस वजह से जो पास था वो ख़त्म कर दिया बस। ठीक है, अच्छी बात है, शादी होगी तो शादी में जरूर बुला। कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आंखों में मैं। अच्छा मतलब ये जो हमारी स्टोरी थी ये कुछ एक फिल्मी टाइप नहीं थी, तो इसको एक फिल्म ही बना देते हैं, मतलब इसके बेस पे कुछ बना देते हैं, एक वीडियोस वगैरह। जो तुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं क्या बना रहा हूँ, मेरी वीडियोस देखती है, सही वीडियोस बन रही है। मैंने प्रैंक ऑन माय गर्लफ्रेंड करा था इससे पहले, वो देखा शायद नहीं देखा होगा, तो आज ना मेरा एक प्रैंक ऑन वो अभी शूट होने लग रहा है, प्रैंक ऑन माय एक्स गर्लफ्रेंड। अच्छा अभी यहाँ पर कैमरा चल रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, दिख रहा क्या है? तो भाई ठीक है, अब कुछ कहना चाहती, अब कुछ मत कहिए मारने वारने की।